हेलो नमस्कार, मैं साकेत, आप देख रहे हो हिट मी 05। जैसा कि आपको पता है, देश में कोरोना के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर है। जगह जगह पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो कभी वीकेंड में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो अभी लोगों के लिए सबसे राहत की बात है कि उन्हें मोरेटोरियम चाहिए। अगर आप मोरेटोरियम की मांग कर रहे हो, अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको मोरेटोरियम मिलेगा, उससे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है और किससे आपको नुकसान होगा, आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज हम सभी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो मोरेटोरियम। मोरेटोरियम में क्या होता है, एक टाइम फ्रेम के लिए आपकी ईएमआई को रोक दिया जाता है, जिसमें आपको ईएमआई तो नहीं लगता, पर आपके जो ईएमआई पे जितने भी चार्जेस होते हैं, सब कुछ आपसे वसूला जाता है। जब मोरेटोरियम का टाइम पीरियड ख़त्म होता है, तब आपके लोन पे इतने ज़्यादा एडिशनल चार्जेस, चेक बाउंसिंग चार्ज, जिसमें आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है, और बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है इन द प्रैक्टिकल लाइफ, जैसा कि आपने पिछले साल भी देखा होगा। दूसरा ऑप्शन, लोन रीस्ट्रक्चर। लोन रीस्ट्रक्चर में क्या होता है, जब आप अपने लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं कर पाते, आपको अगर अपना ईएमआई ज़्यादा लग रहा है, अगर आपको अपना टेन्योर भी बहुत कम लग रहा है, तो इस लोन रीस्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको कुछ महीने के लिए मोरेटोरियम भी दिया जाता है, आपकी ईएमआई को भी कम किया जाता है और टेन्योर को भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे अपने लोन ईएमआई की आपको पेमेंट करने में सुविधा होती है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लोन रिकास्ट आता है। लोन रिकास्ट में भी आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आप यहाँ पे अपने ईएमआई को रोक सकते हो, आप अपने यहाँ ईएमआई को कम पेमेंट कर सकते हो, आप यहाँ सिर्फ अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो अपने ईएमआई को धीरे धीरे कम पेमेंट कर सकते हो या धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हो। और चौथा और फाइनल ऑप्शन, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है और उसी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम, जहाँ पे ना सिर्फ आपकी ईएमआई को रोका जाएगा, बल्कि आप पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज किए जा रहे हैं उसको भी रोका जाएगा। जब आपको मोरेटोरियम दिया जाता है, तो यहाँ पे आप पे एडिशनल चार्ज लगाए जाते हैं, चेक बाउंसिंग चार्ज लगाए जाते हैं, ईसीएस चार्ज लगाए जाते हैं, सब कुछ को 3 महीने के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि जब दोबारा आपका लोन शुरू हो तो आपके ऊपर कोई भी बर्डन ना हो और आप ईजिली अपने ईएमआई को पेमेंट कर सको। तो जब भी अपने बैंक और एनबीएफसी कंपनी से डिमांड करें, तो इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम की ही डिमांड करें, जिस पे आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चर्चा कर रही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो बढ़िया सा एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।